कंटिन्यू कब से किए ये? मैंने परसों तो अर्थ से कर ली। और दिन में कितनी पी लेते हो? एक जब दर्द उठता है जब हाँ, एक पी लो। अभी एक हफ्ते बाद दो से तीन छुट्टे मारोगे तुम। और नहीं तो क्या? क्या खा रहे हो? दर्द सिगरेट मुझे नहीं क्या तुम छुट्टे मारोगे? छुट्टे छुट्टे क्या है? ओनली बिल्कुल सही बोल रही है। नहीं भाई इससे ले मत। नहीं यार मैच बॉक्स लेकर कसम से तुम खाने भी नहीं खा रहा था और अब तो सिगरेट पे डायरेक्ट आप ये देख रहा है इसकी। तो जब भी तो तुम लोगों को अजीब लग रहा है। मतलब मैं अगर ये शुरू से अगर करता ना तो तुम लोगों को अजीब नहीं लगा था क्या? पता चला था कि सब छुट्टे मार के तो मुझे तो इतनी बुरी लगी इसके बाद। बहुत ज्यादा शॉकिंग वाला जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रैंकिस्ट अब बन गए हैं। साथ हम बहुत प्रैंक करने लग गए हैं तो अब हम रुखसार के साथ प्रैंक करते हैं, देखते हैं कि वो बनती है या नहीं। वैसे शार्क है शायद समझ जाए या नहीं समझे क्योंकि सडन हम बिल्कुल प्रिप्लेन नहीं है। मतलब ना पहले से हमने उसको कोई हिंट नहीं दिया हुआ कि रुख कोमल यहाँ पर आने वाली है या फिर कुछ भी बताया नहीं है ना। क्योंकि हमने जो है ना अभी मैंने जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने काश्याम को डियर दिया था आपने कॉल करनी है और उसको पता नहीं क्या क्या बोलना है। तो रुखसार ना पहले तो समझी नहीं थी लेकिन बाद में हमारी हंसी की आवाज जब गई है ना तब वो समझी क्योंकि वो नहीं समझती। तो मुझे लगता है कि आज भी वो नहीं समझेगी। नहीं समझेगी तो हम करने वाले हैं स्मोकिंग प्रैंक और प्रैंक मैं करूंगा उसके साथ। मतलब ये मेरे साथ इनवॉल्व है इस मैटर में और हम दोनों मिलके करने वाले हैं प्रैंक जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। बहुत मजा आएगा। स्टे कनेक्टेड। जी बिल्कुल स्टे कनेक्टेड विद अस भाई। क्योंकि देखे मुझे पता था कि आज उत्साह यहाँ आ रही है ठीक है ना। तो उससे पहले मैं यहाँ आ गई ताकि मैं जो है हनी को सारा गाइड कर दूं कि हमने इस चीज का ठीक तरीके से करना है ठीक है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग से होने वाला है जो कुछ होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और हनी आर यू रेडी फॉर योर ब्लॉग? Yes, of course. I'm always ready to your vlogs. Yes, correct. बिल्कुल ये लोग मेरे जो बहन भाई है ना बहुत ज्यादा सपोर्टिव है माशाल्लाह से। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मेरे साथ बनवाते हैं। मैं मैरिड हूँ बस इसीलिए जो है हम लोग इतने व्लॉग साथ नहीं होते। लेकिन अगर ना होती ना तो बहुत ही फिर तो रोज सारा कंटेंट हमारा डेली कंटेंट जाता। जी बिल्कुल बहुत क्योंकि हमें तो इसमें मजा आता है। हम एक शौक की तरीके से करते हैं ना कि ये के मतलब ये हम पैसे अर्न करते हैं या फिर जो कि इंसान अपने शौक से करता है ना उसमें जल्द करता है। अगर इंसान में एक टैलेंट हो यानी कॉन्फिडेंस हो टैलेंट हो तो उसको मेरे ख्याल से इम्प्रूव करना चाहिए उसको जाहिर करना चाहिए थोड़ा सा। और ये कोई गलत चीज नहीं है। हाँ जो जितने भी प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो इस चीज को गलत नहीं लेते क्योंकि गलत काम को गलत लेना सही है लेकिन जो सही काम है उसको गलत लेना शायद बेवकूफी है। खैर लेकिन अपनी अपनी मर्जी होती है सबकी। यहाँ पर हमारी मर्जी है कि हम ब्लॉगिंग करें और हम कर रहे हैं आप लोगों की ये तो जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं कहते रहिएगा ठीक है। इससे आप कहते हैं ठीक है ना। सबसे पहले मैं करती हूँ कैमरा सेट बल्कि रुखसार आने वाली है रुखसार को ले लेंगे थोड़ा बहुत उसको लगेगा नॉर्मल सी ब्लॉग होंगे ठीक है ना। अभी फिर करूंगी कैमरा सेट चुपके से हैड कर दूंगी। अब करते हैं मैंने उसे भी पूछा वो बोली कि मैं 5 मिनट बस आने वाली हूँ इस रास्ते में। हाँ क्योंकि उसका घर दूर है ना तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है आने में निकलने में ना। मैं जल्दी आ जाती हूँ तो जैसे ही वो आती है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं राइट। सो गाइज भाई यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा ये सोचा है रुखानी और मैंने दोनों ने ये सोचा है कि अगर मैं वो आती है और उसको कैमरे में मैं लेती हूँ ठीक है तो हो सकता है कि वो ये समझ जाए कि मैं जो है कि प्री प्लान है या फिर वो ये समझ जाए कि कोई प्रैंक कर रही है। तो इसीलिए ना मैं उसके सामने कैमरा बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली। अब वो आने वाली है शायद आती होगी रास्ते में आनी उसको कॉल की थी तो वो रास्ते में ठीक है ना। अभी मैं करती थी कैमरा यहाँ पे हाइड और सेट ताकि वो आए तो वो सब रिकॉर्ड और
अमेजिंग सरप्राइज। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने जो है ना कैमरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है ना हाइड कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ सब बैठते हैं तो इसलिए मैंने इस एंगल से जो ना सेट किया। मेरा ख्याल से रुखसार आने वाली है या आती होगी, कैमरा ऑन है और सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आ रही है रुखसार ने? कॉल करके पूछो यार, कॉल करो उसको जल्दी ताकि हमें पता चले कि वो कहाँ है और कितना टाइम और लगेगा। उन लोगों की बाइक रुकी और शायद वो आ गई है। यार नहीं बोल रहा यार, मेरे इतने दिनों से ना दर्द रहने लगा है। अभी अमानुल्ला के पास हम लोग गए थे, मम्मी और मैं ना, तो मुझे बोल रहे थे कि हाँ तुम ना वॉक करा करो, तुम खा कर ना लेट जाते होगे और ना चल, क्योंकि गर्मियों में इस तरीके की कंडीशन हो जाती है ना, लेट लेट जाओ, खाना नहीं खाओ और ना तुम ना वो पियो, सिगरेट पियो। तो मैं कल से पहले उठता नहीं, वैसे नहीं अब होता, अपना दूसरा वाला होता है, पता नहीं कैसे दर्द होता है, इन्फेक्शन नहीं है, टेस्ट वगैरह मैंने करवा ली है, दूसरा वाला होता है। तो फिर क्या इशू, डॉक्टर ने क्या बोला, मेडिसिन वगैरह ली है और बोला है कि ना सिगरेट पियो तुम ना, एक कैप्सन मेरी, हाँ कैप्सन पियो तुम ना, सिगरेट पियो। तो मैं ना एक रखता हूँ अपने पास ना, ये पागल हो तुम लोग, नहीं नहीं ये खिलाफ नहीं है, ये मेडिसिन होती है एक तरीके की, इस पे तंबाकू होता है। तेरी दोस्त नहीं नहीं डॉक्टर का नाम ले रहा है, अम्मी से पूछ ले रहा है यार, इस तरीके का नहीं होता। तो हमारी यूनिवर्सिटी हाँ नहीं यार, तुम जवाबी से पूछ लेना, मैंने उसको बताया ना कल, तो वो पता क्या बोल रही है, वो बोली हाँ हनी ये तो पीते हैं, ये तो कोई नॉर्मल चीज है, पता है कि तू पीता है। हाँ मैंने उसको बताया है, वो तो इतनी खराब थी यार, मैंने उसको बताया नहीं, वो बोल रही थी कि सरकारी हमारे थे ना, वो ये बता देते कि ना ये चीज जो है ना, ये उन लोगों के लिए दवा है जो कि बीमार है, तो ये पीनी चाहिए, नहीं नुकसान नहीं।
दीजिए पूरा खत्म कर दीजिए। इसके डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी हैं इसके, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये क्या नहीं बिल्कुल आदत बन जाएगी तेरी, बिल्कुल भी नहीं यार, इसकी आदत आ जाएगी, रोजाना पिया करेगा, पूरा पैकेट रखेगा अपनी जेब में, ये देख कैसा लगेगा। तो तुमने घंटे क्यों कब से की है? ये मैंने परसों तरसों से कर ली। और दिन में कितनी पी लेते हो? एक जब दर्द उठता है जब, एक पी लो, अभी एक हफ्ते बाद 2-3 छुट्टे मारोगे तुम। हाँ नहीं यार, मैं तो इस चीज के खिलाफ, तो तुम लोगों को पता है ना, मैं ये चीजें मैं तो छाले पर नहीं खाता, मेरे दोस्त अगर छाले खाते हो तो मैं नहीं छाले नहीं खाता। आज ये तुम पी रहे ना, अब कल ही तुम पिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं बस सही यार, एक पिएगा तो पीने दे, मैं ला लूँ मासिस। कल पिएगा, आज पी ले, कल पी लियो, या तुझे उसको ट्रेन कर दी। बस डॉक्टर ने रिकमेंड किया है ना, मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं भाई, डॉक्टर को छोड़ो, डॉक्टर को मारो ना गोली, वो ऐसा ऐसे होगा, पता नहीं कौन सा डॉक्टर के पास चली गई, कौन सा डॉक्टर है नाम क्या है, मैं बात नहीं कर सकता। नहीं यार, जाके पूछूंगी, क्या पता तेरे दोस्त ने तेरी लत लगाई हो, डॉक्टर का नाम डाल लिया। नहीं नहीं, तू पूछ ली जा, मतलब मैं आज वो कहाँ चली गई, क्या नुकसान नहीं सुनी, पता है कितनी महंगी हो गई ये, तो महंगी हो गई तो अब क्या आते हो, इसमें कैसे अपने डालेगा है, माचिस की डिब्बी कौन सी लेकर खाली खाली लेकर आई, लेकर आया लाल लाल बेटा, अच्छी बात है, माचिस की डिब्बी ढूंढ लेता, तुम लोग तो छोड़ो, बस सही है ना, फिर हम लोग भी बात बात नहीं करेंगे, इससे हमारी सुनता नहीं है तो। हनी मैं तो इसकी बात सुन के मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मैं बाहर जाके पी लूंगा बस, जब बाहर से ही जला के पी लेना, मैंने नजरों के सामने, क्या आप लोगों को पता चला ना, हम इतने ढोल मारेंगे। नहीं जो भी, तो मैंने अम्मी को नहीं बताया यार, तो हम बता देंगे, हम बताएंगे बेटा, हम बताएंगे, भाई तो नहीं समझेंगी, वो बोलेंगी बीमारी 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 का हल नहीं है वो, तुम लोग तो चलो पढ़े लिखे हो, तुम लोग समझ जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, मगर तुम लोगों को ये मिडिल क्लास लोगों की तरह सोचे जो होते नहीं है पुराने जमाने वाली जो सोच रखने वाले वो। मैं तुझे तू पीना चाह रहा है, इसलिए हम तुझे रोक रहे, कसम से तू तो छाले भी नहीं खा रहा था, और अब तो सिगरेट पे डायरेक्ट आप ये देख रहा है, इसकी तो जब भी तो तुम लोगों को अजीब लग रहा है, मतलब मैं अगर ये शुरू से अगर करता ना तो तुम लोगों को अजीब लगा था।
पुट्टे हाथ ही तो मुझे तो इतनी बुरी लगी है इसके हाथ में उसको मैं दूंगा 10 out of 9 क्योंकि तुम ना थोड़ा सा वो भी हो रही थी क्या? मैंने सोचा हुआ था कि पहले मुझे जो है ना थोड़ा अगेंस्ट बोलना है स्मोकिंग के, ताकि सार का माइंड डाइवर्ट हो के नहीं सही बोल लिए कोमल इस तरीके से। लेकिन फिर मुझे तेरा साथ भी देना था क्योंकि ये हमारा प्री प्लान प्रैंक था, हम लोगों का स्क्रिप्टेड था ये, तो इसीलिए इस तरीके से हमने किया। लेकिन सर को पागल बनाया और हमें बड़ा मजा आया। कोई बात नहीं, अब देखो मैं कैसे पागल बना दी। तू क्या कर रही? तुम क्या कर रही हो? अब लोग तो ये करती है, ये तो बनाती है। कभी तो इंशाल्लाह फिर लगी ये हमको चुन चुन के सारे बदले जितने भी प्रैंक हमने साथ किए ना लास्ट वाले व्लॉग में भी रुखसार के साथ हमने क्या किया था, क्या शान को बोला था कि भाई क्या करें आप कॉल करके और पागल हो कंजूस भी हो पति क्या क्या बोले जा रहे थे पति क्या कुछ ऐसा नहीं बोला जो कहा मुझे पता था सार के साथ अगर हम करेंगे ना तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा, तभी मैंने कहा सार के साथ ही करें आप, और मैंने उनको बोला ही डियर ही यही दिया था, पर वो भी इस इंतजार में बैठे हैं बोलते कोमल बस तुम्हारे साथ यस वाला करूंगा, तुम्हें मेरी हर बात पे यस कहना है और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा हूँ पता है। अंडा खाए कच्चा बर्फ में पानी डाले हैं तो इस तरीके से ही बात हो रही थी। अच्छा 2000 years later फाइनली गाइस मैं आ गई थी घर पर और जिस तरीके से मैंने आपको सब कुछ दिखाया मैं आगे भी आप लोगों को बहुत कुछ दिखाती, लेकिन हुआ ये था कि जैसे कि एज यू नो कि लाइट जो इशू है ना बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो ना लाइट चली गई थी हमारी, फिर उसके बाद जो प्रैंक के बाद हमने डिनर किया बहुत डिलीशियस था, अम्मी ने अब्बू ने हम लोग को डिनर करवाया एंड देन जो है ना मैं रात के तकरीबन 12:30 घर पर आई हूँ वापस। तो भाई होप सो कि आपको ये छोटा सा मेरा व्लॉग ये ऐसे छोटे मोटे बड़े व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ बिकॉज यू आर माई यूट्यूब फैमिली, सो भाई लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, और इसके अलावा होप सो कि आपको ये कंटेंट बहुत ही पसंद आएगा दूसरे कंटेंट की तरह, तो भाई जल्दी से मुझे 4K सब्सक्राइबर्स चाहिए ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा अमेजिंग से इंटरटेनमेंट वाले जो मेरे व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो नाउ अब मैं करती हूँ एंडिंग अपने ब्लॉग की, होप सो यू लाइक दिस वीडियो, तो भाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।